तो यह वाला वीडियो को देखने के बाद आपको भी लोग ऐसा बोलेंगे। तो ओके भाई, मुझे हैकर बोल रहे हैं, बट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरा हेडशॉट इतना परफेक्टली लगता है। तो मेरा हेडशॉट सीक्रेट क्या है और मैं ऐसा कौन सा ट्रिक या सेटिंग को यूज करता हूँ जिसके कारण मेरा इतना ज्यादा हेडशॉट लगता है, ये सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो इसलिए अगर आपको मेरी तरह हेडशॉट मारना है तो वीडियो का एक भी पार्ट को स्किप मत करना। अगर आप लोग स्किप करके आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन लेकर जाओगे तो आपका हेडशॉट कभी भी नहीं लगने वाला है। तो ओके, स्टार्टिंग करते हैं मेरा फ्री फायर सेटिंग से। तो पहले बात करते हैं मेरा डिस्प्ले सेटिंग के बारे में। तो देखो, मैं हमेशा स्टैंडर्ड पर ही गेम प्ले करता हूँ, मुझे अल्ट्रा या मैक्स पर गेम प्ले करने का जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड पर अच्छा खासा हेडशॉट लग जाता है और बाकी सब मैं ऐसे ही रखता हूँ। तो आप लोग चाहो तो यह वाला सेटिंग ट्राई कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं मेरा कंट्रोल सेटिंग के बारे में। तो देखो, मैंने कंट्रोल सेटिंग पर ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ मैंने लेफ्ट फायर बटन को ऑलवेज पर रखा और क्विक वेपन स्विच को ऑन किया और डैमेज इंडिकेटर को क्लासिक पर रखा और बाकी सब कुछ मैंने ऐसे ही रख दिया। आप लोग चाहो तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं मेरा कस्टम HUD सेटिंग के बारे में। तो देखो, मैं एक नहीं तीन कस्टम HUD यूज करता हूँ। पहला, जब मुझे थ्री फिंगर में खेलने का मन होता है तब मैं यह वाला कस्टम HUD यूज करता हूँ, और दूसरा जब मुझे टू फिंगर एंड थ्री फिंगर दोनों में खेलने का मन होता है तब मैं यह वाला कस्टम HUD यूज करता हूँ। इस पर आप लोग टू फिंगर एंड थ्री फिंगर दोनों प्लेयर खेल सकते हो। और तीसरा, जब मुझे टू फिंगर में गेम प्ले करने का मन होता है तब मैं यह वाला कस्टम HUD यूज करता हूँ। तो आप लोग आपके हिसाब से कस्टम HUD चूज कर लेना। तो अभी बात करते हैं मेरा फायर बटन के बारे में। तो देखो, मैं हमेशा फायर बटन को इस पोजीशन में रखता हूँ और जितना हो सके नीचे की तरफ रखता हूँ, क्योंकि आप लोग फायर बटन को जितना नीचे रखोगे आपको ड्रैग करने के लिए उतना ज्यादा स्पेस मिलेगा। तो इसलिए मैं हमेशा फायर बटन को यहाँ पर रखता हूँ। और अगर फायर बटन का साइज का बात करूँ तो मैं हमेशा फायर बटन को 40 पर रखता हूँ, क्योंकि 40 से मेरा हेडशॉट ज्यादा लगता है और यह मेरे लिए परफेक्ट साइज है। तो अभी बात करते हैं मेरा सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। तो देखो, वैसे तो मैं हमेशा सेंसिटिविटी को लेकर एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ क्योंकि आप लोगों को सेंसिटिविटी बताना पड़ता है, बट मैं ज्यादातर यह वाला सेंसिटिविटी पर गेम प्ले करता हूँ। तो आप लोग चाहो तो यह वाला सेंसिटिविटी को यूज कर सकते हो, इससे तो मेरा अच्छा खासा हेडशॉट लग जाता है। बट अगर आपको यह वाला सेंसिटिविटी को यूज करने में प्रॉब्लम होता है तो मैं दो चार सेंसिटिविटी दिखा रहा हूँ, इनको आप लोग यूज कर सकते हो। तो ओके, आप लोगों को मेरा फ्री फायर सेटिंग मिल गया है। तो अभी बात करते हैं मेरा मोबाइल सेटिंग के बारे में। तो सबसे पहला सेटिंग पॉइंटर स्पीड, इसको मैं हमेशा फुल रखता हूँ और बाकी सारे सेटिंग डेवलपर ऑप्शन में है। तो अभी मैं डेवलपर ऑप्शन में चला जाता हूँ। तो ओके, डेवलपर ऑप्शन पर आने के बाद थोड़ा नीचे यहाँ पर तीन सेटिंग है, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। इन तीनों को मैं गेम प्ले करने का टाइम 1x पर रख देता हूँ। तो आप लोग चाहो तो यह वाला सेटिंग को यूज कर सकते हो। तो इनको 1x पर रखने के बाद नीचे देखो DPI का ऑप्शन है, तो मैं DPI यूज नहीं करता क्योंकि मेरे फोन में DPI यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता, DPI के बिना ही मेरा हेडशॉट लग जाता है। और DPI का थोड़ा नीचे और एक सेटिंग है 4% DXMSAA, इसको मैं गेम प्ले करने के टाइम ऑन करके रखता हूँ। तो आप लोग भी इसको ऑन करके गेम प्ले करना। रुको रुको, अभी सेटिंग खत्म नहीं हुआ है, लास्ट और एक सीक्रेट सेटिंग बाकी है और इस सेटिंग के कारण ही मेरा गेम इतना स्मूथली चलता है और इतना ज्यादा हेडशॉट लगता है।
तो यह वाला सेटिंग आपका फोन का गेम टर्बो या गेम बूस्टर पर मिल जाएगा। तो आपको गेम टर्बो या गेम बूस्टर पर चले जाना है। तो यहाँ पर पहले से मेरा फ्री फायर मैक्स सिलेक्ट है, तो अगर आपका सिलेक्ट नहीं है तो आप लोग यहाँ पर ऊपर प्लस पर क्लिक करके फ्री फायर मैक्स को सिलेक्ट कर लेना। तो ओके सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर ऊपर देखो सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको नीचे एडिशनल सेटिंग पर चले जाना है और फ्री फायर मैक्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी मेरा बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर आप लोग देखो टच रिस्पॉन्स और सेंसिटिविटी का ऑप्शन है, इन दोनों को आपको फुल करके रखना है। और नीचे और एक सेटिंग है, इसको आपको लार्ज पर सेलेक्ट करके रखना है। और इतना करने के बाद आप लोग गेम पर आ जाओ और उसके बाद ऐसे साइड में खींच के बूस्ट पर क्लिक कर देना। और उसके बाद आप लोग गेम प्ले करके देखना, आपका हेडशॉट पहले से ज्यादा लगेगा। तो ओके आपको मेरा सेटिंग मिल गया है। तो अभी बात करते हैं मेरा हेडशॉट ट्रिक के बारे में। तो आप लोग मेरा किसी भी क्लिप को उठाकर देख लेना, मैं हमेशा मेरा एम को एनिमी के लेफ्ट साइड रखता हूँ, क्योंकि एम को लेफ्ट साइड रखने से ड्रैग करने में हेल्प होता है और हेडशॉट भी ज्यादा लगता है। तो इसलिए मैं हमेशा एम को एनिमी का लेफ्ट साइड रखता हूँ और जितना हो सके नीचे रखता हूँ। और एनिमी अगर लॉन्ग रेंज में है तो एम को रेड रखता हूँ, लेकिन एनिमी के बॉडी के ऊपर एम लॉक नहीं होता, थोड़ा साइड में रखता हूँ। तो एम को लेफ्ट साइड रखने के बाद मैं राइट साइड रोटेशन ड्रैग करता हूँ यहाँ तक, और उसके बाद क्विक वेपन स्विच के ऊपर प्रेस करता हूँ और उसके बाद रनिंग बटन के ऊपर प्रेस करता हूँ, मेरा इजीली हेडशॉट लग जाता है। और यह चीज देखने में जितना आसान लगता है इतना आसान है नहीं, इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कभी भी हेडशॉट नहीं लगता। चाहे आप लोग जितना भी बेस्ट सेटिंग लगा लो फिर भी आपका हेडशॉट नहीं लगेगा, तो इसलिए प्रैक्टिस करो। और मैंने भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया था और प्रैक्टिस के कारण ही मेरा इतना ज्यादा हेडशॉट लगता है। और जितने भी भाई लोगों ने अपने फोन का सेटिंग के लिए कमेंट किया था, तो आप लोगों का सेटिंग आ चुका है, आप लोग यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। तो क्लिक करो, आपका सेटिंग देखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।